और आज जिन लोगों से पैसा लेकर, जिन लोगों से लेकर ये चुनाव में आए हैं और जीते हैं, आज उनकी सेवा के लिए गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं, वो बातें आज धामी सरकार भूल चुकी है। और पूछड़ी गांव में कल बड़ी संख्या में पुलिस और बुलडोजर भेज दिया, जिसका लोगों ने विरोध किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूँ आपके साथ पूनम। ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से ग्रामीण वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं तथा इन लोगों को वन विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर हटाने की कार्यवाही की जा रही है तथा इस मामले में पूर्व में भी प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिया गया था। सरकार के आदेश के बाद पिछले कई दिनों से तराई पश्चिमी वन विभाग इस क्षेत्र में वन भूमि पर बसे लोगों को हटाने की कार्यवाही में जुटा हुआ है। इस मामले में अधिकारियों द्वारा यहां रह रहे लोगों को नोटिस देने की कार्यवाही भी की जा चुकी है। विभाग की कार्यवाही का लगातार विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर गठित संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा गुरुवार को इस क्षेत्र में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों के प्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए सरकार के आदेश का विरोध किया। महापंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि जब सरकार इन गरीबों से वोट मांगने आती है तो यह गरीब लोग उस दौरान अतिक्रमणकारी नहीं होते हैं तथा सत्ता में बैठने के बाद सरकार इन्हें उजाड़ने पर उतारू हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार बुलडोजर की कार्यवाही बड़े लोगों पर नहीं करती, बल्कि सरकार गरीबों की छतों को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस बुलडोजर राज का विरोध किया जाएगा। यदि सरकार ने जबरन इस गांव में रहने वालों लोगों को उजाड़ने की कार्यवाही की तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे तथा अब गरीब जनता ने मन बना लिया है, इन जन विरोधी सरकारों को सत्ता से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। वक्ताओं ने इस दौरान स्थानीय विधायक एवं सांसद के खिलाफ भी अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गरीबों को उजाड़ने से पहले उनके विस्थापन एवं पुनर्वास की व्यवस्था करे और अपने निर्णय को वापस ले। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार को उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ग्रामीण अपना विरोध जारी रखेंगे। देखिए, लोग गाजा पट्टी ना जाएं, यूक्रेन ना जाएं, उत्तराखंड को देख लें, यहाँ पर जगह जगह लोगों को घर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर बम मार के लोगों को हटाया जा रहा है, यहाँ पर बुलडोजर लगा करके धामी सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को जो है बिजली, पानी, सड़क, ग्राम प्रधान का अधिकार दिया जाएगा, बनग्राम को जो है राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा, वो बातें आज धामी सरकार भूल चुकी है। और पूछड़ी गांव में कल बड़ी संख्या में पुलिस और बुलडोजर भेज दिया, जिसका लोगों ने विरोध किया और उसी के विरोध में यहां पर महापंचायत है। और हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जहां बैठा है उसको वहां पर मालिकाना हक दो, और यदि किसी को हटाना भी आप चाहते हैं तो पहले उसका पुनर्वास करो, उसको विस्थापित करो, उसके बाद उसको हटाया जाए। इसको लेकर के उत्तराखंड के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे हैं और बुलडोजर राज के खिलाफ यहां पर महापंचायत को सफल बनाने के लिए सब लोग एकजुट हैं। जो सरकारें चुनाव में काला धन खर्च करके इलेक्शन बॉन्ड लेकर ये जब आती हैं, जो ये खुद ही इलीगल सरकारें हैं, इन सरकारों को कोई हक नहीं है, क्योंकि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये एक भ्रष्ट चुनाव प्रणाली के कारण मैदान में आए हैं। और आज जिन लोगों से पैसा लेकर, जिन लोगों से लेकर ये चुनाव में आए हैं और जीते हैं, आज उनकी सेवा के लिए गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं। ये जंगल, ये नदी, ये सारी ज़मीनें इन्होंने नहीं बनाई हैं, ये कहते हैं कि हम सबको छत देंगे, ये सारे गरीबों की छत उजाड़ रहे हैं, लेकिन इनका बुलडोजर इनकी जो कभी भी बड़े आदमियों के अतिक्रमण के खिलाफ नहीं गया है, अंबानी के खिलाफ नहीं चलेगा, अंडानी के खिलाफ नहीं चलेगा। तो हमारा ये कहना है कि जनता इस तथ्य को समझ गई है, जहाँ पर जनता एकजुट होगी, महापंचायत में जनता एकजुट है, अगर उन्होंने पुछड़ी को हटाया, मनमानी की, तो ये उत्तराखंड में इनकी सत्ता नहीं रहेगी और ये सत्ताओं को लोग बेदखल कर देंगे, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, गरीब लोग बेदखल कर देंगे। वो कहा है कि मुई खाल की सांसों सार भस्म हो जाए, वही काम होगा। इसलिए मेरा कहना है उत्तराखंड की सरकार से, इस गलत निर्णय को वापस लें और जो जहां पर है उसको वहां पर बसाएं, और जिन लोगों ने पूरी जनता के संसाधनों पर हमला किया है, एकजुट किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें तो करें, वरना इस तरह की गड़बड़ियां ना करें, इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। इस महापंचायत का ये सीधा संदेश है।